हेलो एवरीवन, मुनिंदर शर्मा की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे, राइट? चलिए, परसेंटेज परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, प्रति देखो बच्चों, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज का मतलब है 100 पे किसी चीज का मान, राइट? जो इसका लिटरल मीनिंग है, जो बेसिक मीनिंग है, वो है आउट ऑफ इन कंपैरिजन टू 100, राइट? चलिए देखते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपसे कि एक क्लास है, मेरी एक क्लास है जिसमें मेरे पास हैं 400 स्टूडेंट्स, मेरे पास हैं 400 स्टूडेंट्स। अब 400 स्टूडेंट्स में से मान लो मेरे पास 300 स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं एग्जाम को, क्लियर एग्जाम। तो अगर मुझे ये बताना हो कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए या कितने परसेंट स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाए, तो बहुत सीधी सी बात है। देखो बेटा, परसेंटेज जो है, देखो तीन चैप्टर होते हैं हमारे पास, रेशो, परसेंटेज और फ्रैक्शन। ये तीन जो चीज़ें हैं, ये एकदम इंटरमिक्स्ड हैं सारी चीज़ें। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे एक फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएं और कैसे एक रेशो से परसेंटेज बनाएं, और इसका रिवर्स भी है, राइट? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आप मुझे ये बताओ कि कौन सा फ्रैक्शन है जिसने एग्ज़ाम को पास करा? भाई सीधी सी बात है, 300 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स को जो है वो क्लियर करा है। कितने में से? 400 में से। 300 आउट ऑफ 400, ये फ्रैक्शन है मेरा जिसने एग्जाम को क्लियर करा है, यानी कि 3/4 स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्लियर करा है। तो एक सीधी सी बात समझ लो, किसी भी फ्रैक्शन को बच्चे, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका परसेंटेज आ जाता है। 3/4 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 75% आ जाएगा, ये है मेरा परसेंटेज, राइट? इसी को अगर मैं रिवर्स कहूँ, कोई मुझसे कहे कि भाई 65% है, 65% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अभी आप मुझे ये बताओ, जब मेरा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन से मैंने परसेंटेज बनाने के लिए क्या करा? 100 से मल्टीप्लाई करा, यस। उसके बाद इसका रिवर्स मैं यहाँ करूँगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मैं डिवाइड करूँगा, 65/100। तो ये मेरा चला गया, ये 13 पे और ये 5 पे 20, तो ये आ गया मेरे पास 13/20। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 65% का मतलब है 65 आउट ऑफ 100। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये मेरी परसेंटेज फॉर्म हो गई। अगर मैं कहता हूँ 13 आउट ऑफ 20, तो ये मेरी फ्रैक्शन की फॉर्म होगी, राइट? तो क्वेश्चन को जब आगे हम आएंगे क्वेश्चंस पे, तो उनको आसान बनाने के लिए हम ये सब चीज़ें करेंगे कि कभी फ्रैक्शन को रेशो में, उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, राइट? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसी पे एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, अगर और एग्जांपल आपने लेने हैं तो वो और समझ लो। मैं कहता हूं कि 7 आउट ऑफ 20, अगर इसका मुझे फ्रैक्शन बताना है बच्चे, अगर इसका मुझे फ्रैक्शन बताना है तो क्या होगा? 7/20। अगर इसका मुझे परसेंटेज बताना है तो क्या करूंगा? 7 आउट ऑफ 20 जो है उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा 5 पे जाके ये 35% आ गया। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट? तो जो हमारे पहले जो कुछ, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आप देख रहे होगे कि जो परसेंटेज है वो यूनिटलेस है, प्रतिशत की कोई इकाई नहीं होती है, राइट? देखो जो पहली टाइप है हमारे क्वेश्चंस की, वो समझ लो आप। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं
200 ml इज व्हाट परसेंट. इससे पहले एक एक और चीज समझो, मैं बेस का कंसेप्ट आपको बताता हूँ. पहले मान लो दो नंबर है मेरे पास, x है मेरे पास 120 और y है मेरे पास 150. अगर मैं कहता हूँ x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x कोमा y का कितने प्रतिशत है, तो आप देखो क्या होगा. बेटा ये जो ये ऑफ के बाद जो लिखा होता है इसको हम बेस कहते हैं, या हिंदी में का जिसके साथ लिखा होता है उसको हम बेस कहते हैं. और बेस हमेशा डिवाइड में आता है. जैसे पिछले क्वेश्चन में हम ये नहीं कह रहे थे कि 400 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 300 पास हुए, कितने में से 400 में से, तो 400 मेरा बेस हो गया उस क्वेश्चन में, राइट. तो यहाँ पे देखो आप, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो x कितना है मेरा 120, और किसके रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है 150 के. तो मैं कहूंगा 120 150 का कौन सा फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है. और अगर मुझे परसेंटेज में बताना है तो इनटू 100, राइट. तो ये मेरा गया 4 और ये 5, और यहां से मेरे पास आ गया मेरा 80%. ये मेरे पास आ गया 80%. बच्चे अगर इसी में मैं, क्योंकि आपके बेसिक्स थोड़े सही कर रहा हूँ फिर हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे, अगर मैं कहूं y इज व्हाट परसेंट ऑफ, मुझे पता है कि आपको ये बहुत ही ये लग रहा होगा कि सर ये इतना बेसिक क्यों बता रहे हो, क्योंकि बेटा यही है परसेंटेज का जो बेस है वो यही है. y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y कॉमा x का y x का कितने प्रतिशत है, अब यहां पे आप देखो, यहां पे जो मेरा बेस है वो मेरा x हो चुका है, वो मेरा x हो चुका है, यानी कि डिवाइड में जो टर्म आएगी वो मेरी x आएगी. तो मैं कहूंगा जो रिक्वायर्ड मेरा परसेंटेज है वो क्या होगा, वो देखो भाई 150 डिवाइड बाय 120, क्यों, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में निकालनी है. तो फ्रैक्शन तो मेरा ये हो गया, और अगर मैं इनटू 100 कर दूं तो ये मेरा परसेंटेज आ गया. बहुत ही सिंपल सी बात है. ये देखो ये 5 पे और ये, हाँ जी, तो ये गया मेरा 5 पे और ये 4 पे, और ये 4 पे गया 25, और 25 गुना में 5 ये आपका आ गया 125, राइट. ये आपका आ गया 125%, 125%, ठीक है. आगे मैं बढ़ता हूं, अगर वो कहे x इज हाउ मच परसेंट लेस देन x इज हाउ मच परसेंट लेस देन y, x कॉमा y से कितने प्रतिशत कम है. अब ध्यान दें यहां पे कि भाई बेस कौन है. देखो मोर देन लेस देन ऑफ इनके बाद जो लगा होता है वो मेरा बेस होता है, या हिंदी में से का ये सब जो है वो मेरे बेस होते हैं. हिंदी वालों के लिए मैंने ये बता दिया कि जैसे का शब्द है, से हो गया, ये आपके बेस पहचानने के तरीके हैं. इंग्लिश वालों के लिए क्या है, ऑफ के साथ जो लगा हो, मोर देन के साथ जो लगा हो, लेस देन के साथ जो लगा हो, विद रिस्पेक्ट टू के साथ जो लगा हो, इन कंपैरिजन टू के साथ जो लगा हो, ये सब जो है वो आपके बेस होते हैं, राइट. चलिए तो सबसे पहली बात तो ये कि बेटा आपसे इसने ये कहा है कि जो x है वो y से कितने प्रतिशत कम है. पहली तो बात मुझे आप ये बताओ कि x जो है वो y से कितना कम है.
एक्स जो है वो वाई से 30 कम है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो देखो जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो उसका उसका परसेंटेज निकाला मैंने। ये कहता कि पहले तो आप ये बताओ हाउ मच लेस, 30 लेस, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू विट व्हाट, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई यानी कि 150 इंटू 100, तो ये मेरे पास आ गया 2, और ये 3, और ये 10, यानी मैं कहूँगा मेरा 20%। एक एक पिक्चर आपके माइंड में बन गई होगी एक सिनारियो की कैसे क्या है परसेंटेज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ, जैसा कि मैं पिछले सवाल जब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैं लिख रहा था कि 40 ml, 40 ml इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर। सवाल क्या है बच्चे हमारा, 400 ml कॉमा 2 लीटर का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है, ये मेरा सवाल है। अब सीधी सी बात है, बेस क्या है मेरा 2 लीटर, बेस क्या है मेरा 2 लीटर, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है मेरी 400 ml, तो मैं कहूँगा 4 ml, 400 ml डिवाइड बाय 2 लीटर इंटू 100। बेटा ध्यान दो यहाँ पे, ये तो फ्रैक्शन आ ही गया था, ये मेरा फ्रैक्शन है, इंटू 100 कर दिया तो ये मेरा परसेंटेज आ गया। अब कई बार स्टूडेंट कई बार ये गलती कर जाते हैं कि 2 से काट के 200, पर वो तो एम एल वाई लीटर बना ना। मैंने कहा है कि परसेंटेज जो है मेरा वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसकी यूनिट नहीं होती है, मतलब यहाँ एम एल है तो यहाँ पे भी एम एल लाओ, और एम एल से एम एल क्रॉस करके जो बचेगा वो आपका वैल्यू है परसेंटेज में। 400 ml डिवाइड बाय 200 ml जो है वो 2000 ml के बराबर होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो ये एम एल से अब एम एल कट गया मेरा, और ये 00 यहाँ से कट जाएगी, राइट। और 20 पे गया ये 5, और 4 × 5 ये मेरा आ गया 20%। होप ये सबको समझ आ गया होगा, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, राइट। चलिए लेकिन अगर इसी सवाल में अगर वो ऐसे पूछता, ये आए हुए क्वेश्चन है पीछे एग्जाम में जो वो पूछता है उसी टाइप के मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अगर इसी सवाल में वो आपसे कहता, देखो कैसे मिस्टेक कराता है वो आपसे, मैं अगर आपसे कहूं कि 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर अस्सी सेंटीमीटर को मैंने पूछा है आपसे इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है ये, 80, 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। बेटा वही बात है, ये का जिसके साथ लगा है वो बेस है मेरा ऑफ 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर ये मेरा बेस है, यानी ये नीचे लिखा जाएगा। तो जो मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो होगा 80 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 किलोमीटर इंटू 100, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि ये किलोमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर चाहिए मुझे, तो मैं 80 × 100 डिवाइड बाय 2। अब बच्चों किलोमीटर की जगह जब मैं मीटर बनाऊंगा तो मुझे 1000 गुना करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मीटर से मुझे दोबारा सेंटीमीटर बना रहे हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तभी तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस होगा, राइट। क्योंकि बिकॉज हमने पढ़ा है कि परसेंटेज जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये 100 से 100 कट गया आपका, उसके बाद ये 10 से 10 काट लो, और 2 पे गया मेरा 4, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया 0.04,
4%, क्योंकि बचा था क्या मेरे पास 4/100, तो मेरे पास क्या आ गया 0.04%। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें क्या था, इसमें ये था भाई कि ये ना दो तरीके से देखो, एक तो कंसेप्ट है इसके पीछे, एक जल्दबाजी में की हुई मिस्टेक है, ऐसे ऑप्शन आते हैं इसमें 40%, 4%, 0.04%, 0.4%। तो ऐसी ऐसे क्वेश्चन में आदमी कई बार एक्साइटेड होके कि यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और कई बार गलत टिक कर देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, उस चीज़ से बचना है, सॉल्व करना है। 0.04% यानी कि ऑप्शन सी पे जाना चाहिए हमें, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है, नेक्स्ट टाइप है कि मैं आपसे कहूं देखो भाई, अगर ये जो नेक्स्ट टाइप है मेरी, ये कई तरीके से पूछता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है उसको 20% बढ़ा दिया, 20% इंक्रीज कर दिया, और फिर मैं पूछूं आपसे कि बताओ दोबारा वही नंबर लाने के लिए मुझे कितने परसेंट उसको घटाना पड़ेगा। कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, मैं समझा ही देता हूँ पूरा इसको। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। हाउ मच परसेंट द नंबर शुड बी डिक्रीज्ड टू ऑब्टेन द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या को किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। मूल या फिर वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए नई संख्या को कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। एक बार पहले तो ना इसके पीछे का लॉजिक समझो। हाँ जी, देखो कई बार हम ये कहते हैं कि यार 20% बढ़ाया, ओरिजिनल नंबर लाना है तो 20% फिर घटा दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझो बात को बच्चों। अगर मैं ओरिजिनल नंबर को 100 मान लूं, ओरिजिनल नंबर को मैं 100 मान लेता हूं, तो बढ़ने के बाद नंबर क्या हुआ, 120। एक नंबर है अगर मैंने उसको ओरिजिनली 100 मान लिया, अब ये कह रहा है कि 20% बढ़ाया, सीधी सी बात है यार कि 100 का 20% 20 होगा, और 100 में 20% बढ़ा तो 120 हो गया, 100 से 120 हुआ है। अब आपको घटाना कितना है, 20 ही घटाना है। लेकिन बच्चों एक चीज देखो यहाँ, जो आपको 20 घटाना है ना, वो 100 के रिस्पेक्ट में नहीं घटाना, वो घटाना है 120 के रिस्पेक्ट में। मेरा जो बेस है वो अब 120 हो चुका है, मेरा जो बेस है वो 120 हो चुका है, तो मैं कहूंगा 20 और भाग में 120, इतना फ्रैक्शन आपको घटाना चाहिए, और परसेंटेज में चाहिए, इनटू 100 कर दो। 1/6, जब आप इसको सॉल्व करोगे 100/6 को, तो आपको आ जाएगा 16/2/3%। क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कैसे कैसे बन सकते हैं और क्वेश्चन।
इसमें वो ये कह सकता है कि एक आदमी है, उसकी सैलरी 20% बढ़ाई, बताओ ओरिजिनल सैलरी पाने के लिए उसको कितना घटाना चाहिए? देख लो, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो मैं शॉर्टकट भी दे दूंगा। अगर कोई नंबर बढ़ाया जाता है ना, जितने परसेंट बढ़ाया जाए डिवाइड बाय एक्स प्लस 100 × 100 कर दो, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अगर कोई नंबर घटाया जाता है तो 100 − x × 100 कर दो, आपका ये आ जाएगा कि अब देखो एक नंबर है उसको कुछ एक्स परसेंट बढ़ाया, आपसे पूछा कितने परसेंट घटाएं कि सेम नंबर आ जाए, x/100 + x × 100। एक नंबर है उसको एक्स परसेंट घटाया, अब उसको कितना परसेंट बढ़ाएं कि ओरिजिनल नंबर आ जाए, x/100 − x × 100। बड़ा सीधा है, लेकिन कंसेप्ट से जाओगे तो फायदे में रहोगे। इसी में अगर मेरे पास ये हो कि भाई सैलरी ऑफ ऑफ दीपक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%, नाउ इट शुड बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट टू ऑब्टेन द ओरिजिनल सैलरी। मैं एक काम करता हूँ, जैसे एक लैंग्वेज में लिख देता हूँ, हिंदी में मैं डिक्टेट कर देता हूँ ऐसे ही। दीपक की सैलरी को 20% घटाया जाता है, दीपक की सैलरी को, दीपक के वेतन को 20% घटाया जाता है, उसकी पहले वाली वेतन दोबारा से प्राप्त करने के लिए बताइए उसकी तनख्वाह को, उसके वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। सिंपल सी बात है, फिर वही कंसेप्ट अपना। 100 मैंने सैलरी मान ली, 100 का 20% 20 होता है, 100 से 80 हुई, और 80 से वापस 100 लेना है तो 20 इंक्रीमेंट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? 80 के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। 1 पे 4 और 4 पे 25, ये मेरे पास आ गया 25%। या फिर जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिया था उससे कर लो। मैंने कहा था x/100 − x × 100, मैंने क्या कहा था, अगर नंबर बढ़ा के दोबारा वापस लाना है तो x/100 + x × 100, अगर नंबर घटा के दोबारा वहीं लाना है x/100 − x/100, तो क्या करूंगा, 20/100 − 20, 80 × 100 आ गया ये 25%। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई फ्यूल के दाम बढ़ जाते हैं। बेटा ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ कि एक जैसे पेट्रोल या डीजल में, या फिर इन जनरल मैं फ्यूल कह सकता हूँ कि फ्यूल है, फ्यूल के जो प्राइस हैं वो 30% इंक्रीज हो जाते हैं, 30% इंक्रीज हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मैं अपना कंजम्पशन, देखो जो दाम है वो 30% बढ़ गए, तो बताओ मैं अपनी कंजम्पशन कितने प्रतिशत घटाऊं कि मेरे खर्च पे कोई फर्क ना पड़े, मैं अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करूं कि मेरे एक्सपेंडिचर अनअफेक्टेड रहे, जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसमें नो चेंज रहे, यानी कि जो मेरा खर्च है उसमें कोई फर्क ना आए, नो कोई परिवर्तन ना आए। तो बात तो वही होगी ना कि पहले तुम 30% बढ़ा रहे हो फिर घटाना है, तो यार सीधी सी बात है कि आप या तो ऐसे कर लो 30/100 × 30 है ना, और गुणा में 100, या फिर ऐसे कर लो भाई 100 रुपये मेरे खर्च हुआ करते थे, अब 130 खर्च होने शुरू हो गए हैं, तो क्या करूंगा मैं, 30 रुपये का कम पेट्रोल डलवाना शुरू कर दूंगा, तो 30 रुपये की बचत करनी है, लेकिन अब नया दाम क्या हो चुका है, 130, 30 × 130 / 100, राइट? तो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है? तो देखो बेटा कंसेप्ट आ रहे हैं इसमें, और एक कंसेप्ट पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, अब
जब दो वेरिएबल में चेंज आए वो पढ़ेंगे हम, ठीक है? ये बात तो आपने पढ़ ली कि एक वेरिएबल का चेंज कैसे डील किया जाता है। देखो कैसे, मान लो अच्छा ये तो पता ही है कि मान लो मुझे ये कहा जाए कि 400 का 30%, तो आप क्या करोगे? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, लेकिन ये लैंग्वेज का। और देख लो 400 का 30% निकालना है तो 330/100 इंटू 400, राइट? चलिए नेक्स्ट है, दो वेरिएबल का चेंज देखते हैं। मान लो एक नंबर है एक्स और एक नंबर है बेटा वाई, एक नंबर है एक्स और एक नंबर है वाई। आप एक्स को मान लो 10% बढ़ाया घटा रहे हो, वाई को 15% घटाया बढ़ा रहे हो, तो बताओ इनके प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? इस टाइप के क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक सीधा सा फार्मूला जान लो, ये जो प्रोडक्ट है, जो गुणा है या प्रोडक्ट है, इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा, जो असर पड़ेगा, वो होता है देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। एकदम सीधी बात है बच्चों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये आपका इफेक्ट होगा। जैसे मान लो x को 10% बढ़ाया, y को 15% बढ़ाया, x को 10% बढ़ाया, y को 15% बढ़ाया, तो एक्स वाई पे जो इफेक्ट होगा वो होगा 10 जमा 15 जमा 10 गुणा में 15 भाग में 100, ये आपका आंसर होगा, राइट? अब इसी में अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है एक घट रहा है, तब आप देखो कैसे होगा। मान लो एक है एक्स परसेंट का इंक्रीमेंट है एक में, और दूसरे में वाई परसेंट का डिक्रीमेंट है। चाहे एक्स घट रहा हो वाई बढ़ रहा हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब देखो मेरे पास क्या होगा, मैं क्या बता रहा हूं, इफेक्ट ऑन एक्स वाई। एक्स बेटा घटने का मतलब है, मैं कह रहा हूं कि माइनस वाई परसेंट बढ़ रहा है, माइनस वाई। और क्योंकि देखो एक्स ये घट, जो घट रहा है वो माइनस का ले लो। अब क्योंकि आपको पता है कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस एक्स वाई बाय 100, राइट? ये आपका इफेक्ट होगा। अब जैसे मान लो वो ये कह दे एक नंबर है जिस जो दो नंबर के प्रोडक्ट से बना है, ए और बी के, ए को 10% बढ़ा लो और बी को 5% घटा दिया, ए 10% बढ़ा दिया, बी 5% घटा दिया आपका, और वो कहे कि ए बी की वैल्यू पे कितने परसेंट का इफेक्ट होगा, तो मैं क्या होगा, 10 माइनस 5 माइनस 10 इंटू 5 बाई 100, ये आपका इफेक्ट हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, और 5 में से ये 2.5 माइनस 0.5, तो ये आपके पास आ गया 4.5। बेटा कई बार ऐसा भी होगा आपके पास कि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो घबराना नहीं है। अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो आप समझ जाना कि नेट जो है आपका डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है। अभी बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड हम। हाँ अच्छा, एक और रहेगा, एक और छोटी सी चीज और रहेगी। क्या अब मान लो एक्स भी घट रहा है, मान लो अब प्रोडक्ट में एक्स परसेंट घट रहा है और वाई परसेंट भी घट रहा है, तब देखो एक्स वाई पे क्या इफेक्ट होगा। देखो बेटा पहला मैंने कहा जो घट रहा है वो माइनस में लिया जाता है, माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, प्लस एक्स वाई बाय 100, इतने परसेंट का इफेक्ट होगा आपके एक्स वाई पे, आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है जी? होप ये सबको समझ आ गया होगा। और अब मैं बताता हूं कि इसका यूज कहाँ है। देखो यार, जो मेरा एक्सपेंडिचर होता है, जो मेरा एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, क्या होता है भाई एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर होता है मेरा प्राइस गुणा में क्वांटिटी।
जो मेरा खर्च होता है, खर्चा जो मेरा होता है वो क्या होता है, किसी क्वांटिटी का दाम और उसकी मात्रा, यही होता है। अरे भाई मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि आप आलू पे कितना खर्च करते हो, तो मैं ऐसे ही तो निकालूंगा आपका एक महीने का आलू का खर्चा कि आपने कितने आलू खाए महीने में, 4 किलो पूरी फैमिली ने, और आलू का खर्च कितना है, मतलब आलू का पर किलो का दाम क्या है, आलू का दाम है मान लो 35 रुपए किलो, तो इतने का आपको खर्च हुआ। मैं कहूँ आपका फ्यूल पे ईंधन पे कितना खर्च किया, तो भाई मान लो आपने 130 लीटर का फ्यूल जो है वो खर्च कर दिया महीने में, 130 लीटर, और अब जैसे मान लो पेट्रोल का दाम है 95 रुपीज़, तो वही तो है प्राइस इंटू क्वांटिटी, 95 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, 130 लीटर आपने खर्च कर दिया, महीने में इतने रुपए का आपने खर्चा किया पेट्रोल पे, तो एक्सपेंडिचर को ऐसे ही तो निकालते हैं। तो मेरी बात सुनो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझ लो आप। भाई मैं कह रहा हूँ कि जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट आपको दिया हो और पहली का वेरिएशन दे रखा हो, दूसरी का वेरिएशन दे रखा हो, और प्रोडक्ट का वेरिएशन पूछे आपसे, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि भी पेट्रोल है उसका प्राइस इतने परसेंट बढ़ गया, और उसका उसकी क्वांटिटी जो हम घर में यूज कर रहे थे, कंजम्पशन जो था मेरा, वो इतने परसेंट बढ़ गया, बताओ मेरे खर्च पे क्या इफेक्ट होगा। बड़ा ही आसान है ये, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, बोलो। चलिए सीखते हैं इसके बारे में, ये नोट कर लिया होगा आपने। अगली स्लाइड मैं कहता हूं प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, एंड इट्स कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। फाइंड द इफेक्ट ऑन, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर। मैं हिंदी में बताता हूँ, पेट्रोल के दाम में 30% की वृद्धि होती है, पेट्रोल के दाम में 30% की वृद्धि होती है, एवं इसकी खपत में भी 10% की कंजम्पशन, यानी कि इसकी खपत में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए पेट्रोल पर होने वाले खर्च पर, पेट्रोल पर होने वाले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आप एक बार इसको करो ट्राई, फिर करते हैं। हाँ जी, बड़ा सिंपल है। देखो अब जो प्राइस है वो बड़ा है, कंजम्पशन वो भी बड़ा है, एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, मुझे पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजम्पशन इनटू प्राइस, तो मैं क्या करूँगा, 30 प्लस 10 और +30 × 40 और डिवाइड बाय, अरे 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 भाई 40 नहीं 10 है, ये 10% का इफेक्ट है, डिवाइड बाय 100। ये काटा आपने, ये 30 और 10 40, 40 और 3 43% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%
एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड बाय 40%। फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हिंदी वाले देख लेंगे इसको, हिंदी वाले, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया जाता है एवं इसकी चौड़ाई को 40% घटाया जाता है। एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया जाता है एवं इसकी चौड़ाई को 40% घटाया जाता है। आयत के क्षेत्रफल पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? तो देखते हैं, करना आप नहीं है, मैं 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। बस इतना बता देता हूँ कि जो एरिया होता है ना, जो मेरा क्षेत्रफल होता है आयत का, यानी कि रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल यानी कि ये वाली जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री कोण बनते हैं, वो होता है एल इंटू बी। एल यानी लेंथ और बी यानी ब्रेड। ठीक है, एक बार करो इसको ट्राई और मैं बताता हूँ फिर आपको। हाँ जी, तो बच्चों जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके सामने कि भाई जब भी प्रोडक्ट पे असर आपको बताना हो, जब भी प्रोडक्ट पे आपको असर बताना हो, पहले का वेरिएशन दे रखा हो, दूसरे का दे रखा हो, तो फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा था एल प्लस बी प्लस एल बी बाई 100। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज़ घट रही है, ब्रेड्थ जो है वो मेरी घट रही है, तो मैं क्या करूँगा, 30, बी घट रहा है तो -40। अगली बात, मैंने कहा था कि जब एक घटे एक बढ़े, तो एक्स वाई वाई 100 वाली टर्म को माइनस में रखते हैं, -30 इंटू 40 और डिवाइड बाय 100, ये आ गया मेरे पास 12, और ये माइनस का 10 और -12, ये आ गया माइनस का है 22, -22%। अब घबराना नहीं है, माइनस देख के डरना मत, -22% इसका मतलब है 22% की कमी, 22% की कमी, 22% जो है वो आपका क्षेत्रफल या एरिया जो है वो घट जाएगा इसमें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा, हमारा ये जो सेम कॉन्सेप्ट है वो एक दो जगह और अप्लाई हो सकता है। देखो कैसे। मान लो कोई आपसे कहता है कि एक संख्या है, कोई भी एक नंबर है, मान लो 150, 130, कुछ भी दे दिया उसने, उसको 10% बढ़ाया जाता है। एक नंबर है जिसको, सिंपल सा नंबर लेता हूँ पहले ताकि समझने में आसान रहे, एक नंबर है उसको 10% बढ़ाया आपने, तो कितना हो जाएगा वो, 110। फिर आपने 10% बढ़ाया उसको, तो कितना हो जाएगा? अब इसका 10% बढ़ेगा वो, देखो मैंने कहा एक नंबर है उसको 10% इंक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज किया, और मुझे बताना कि फाइनली जो मेरा नंबर है वो कितना हो जाएगा, राइट? तो देखो, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि नंबर को 100 मान लिया, 100 का जो 10% है वो 10 होता है, तो 100 में 10 जोड़ा 110 हो गया।
फिर 10% बढ़ाया, तो 110 का जो 10% है, 110 का जो 10% है वो 11 होता है भाई। 110 का 10% निकालोगे 11 होगा। अब इसमें जब 11 जोड़ोगे तो 121 हो गया, और आपसे पूछे नेट इफेक्ट क्या हुआ, तो 100 से 121 हुआ, यानी कि 21% की बढ़ोतरी हुई है, राइट। इस टाइप के जब जो क्वेश्चन होते हैं कि एक नंबर है उसको पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, उनको भी तो आप ऐसे ही कर सकते हो, राइट। जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जब सब्सिक्वेंट इंक्रीज होता है ना, एक एक के बाद दूसरा इंक्रीमेंट होता है, पहले इतने परसेंट बढ़ा, फिर इतने परसेंट बढ़ाया घटा, वहां पे भी तो यही चीज अप्लाई हो सकती है, राइट। चलिए देखते हैं आगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, इन 2010 वॉज 1,75,000, 1,75,000, या फिर 17,50,000 कर लो आप, 17 लाख इन 2000 वॉज 17,50,000। इन फर्स्ट ईयर इट इज 20% एंड इन सेकेंड ईयर इट इज डिक्रीज बाय 10%। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 ईयर्स। अब ये आपने खुद करना है, मैंने बता दिया आपको कि भाई जब सब्सिक्वेंट चेंजेस होते हैं। अब सुनो, पहले बात, टाइम निवेस्ट करना बिल्कुल भी, क्यों, क्या टाइम निवेस्ट करना है भाई, ये नहीं है कि अब तुम ये सोचने लग जाओ कि पहले इसका मैं 20% निकालूं, फिर इसमें वो जोड़ूं, फिर इस फिर जो नया नंबर आएगा उसका 10% निकालूं, वो इसमें घटा के निकालो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो यार, आपने ये काम नहीं करना है कि 1,75,000, नहीं सॉरी, 17,50,000 आप कहने लग जाओ कि सर पहले साल ये 20% बढ़ गई, तो ये लो जी इसका 120% कर दिया मैंने, आ गया। फिर आप कहने लग जाओ कि अगले साल ये 10% घट गई, यानी कि 90/100 कर दो, और 2 साल बाद पॉपुलेशन आ जाएगी। बेटा ये आ तो जाएगी, आ तो जाएगी, लेकिन एक, अरे 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 सॉरी सॉरी, अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन फिर तो ऐसे ही करेंगे हम। मैं बात कर रहा था फाइंड द पॉपुलेशन, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन, ऐसे है क्वेश्चन, इसको तो ऐसे ही करना था। अगर ये परसेंटेज चेंज आपसे कर रहे हैं तो यार, जैसे मैंने बताया ऐसे नहीं करना था, ये तो नॉर्मल तरीका था। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि भाई पहले साल 20 बढ़ा, अगले साल ये 10 घटा, 20 - 10 -20 × 10 और डिवाइड बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा। 20 में से 10 गया 10, और ये 2 है तो आपका आ गया 8%। पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज हुई है, नेगेटिव होता मतलब डिक्रीज हुई है। तो आप एक काम कर सकते हो, 1,75,000 में अगर 8% जोड़ोगे इसका तो पॉपुलेशन भी आ जाएगी, वो भी आसान है, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली हमारी टाइप है कि जब हमसे वो ये कहता है परसेंटेज में, और देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और एक एक ये वाला क्वेश्चन आता है कई बार यार, कि एक स्टूडेंट है उसको इतने परसेंट, दो स्टूडेंट्स का जिक्र करता है वो कई बार, कि एक स्टूडेंट है उसको इतने परसेंट मार्क्स आए और वो फेल हो गया इतने नंबर से, दूसरा है उसको इतने परसेंट मार्क्स आए और उसके पास से इतने ज्यादा नंबर हैं,
तो बताओ पासिंग मार्क्स क्या है या टोटल मार्क्स क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। बताता हूँ, देखो पहले तो कंसेप्ट सुनो इसके पीछे का। बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक स्टूडेंट है मेरे पास, उसके 30% मार्क्स आए, उसके 30% मार्क्स आए, और वो क्या हुआ उसके साथ, फेल्ड बाय 8 मार्क्स। दूसरा एक स्टूडेंट है जिसके 35% मार्क्स आए और उसको क्या मिला, गॉट 12 मोर मार्क्स देन पास मार्क्स। अब इसमें देखो वो क्या पूछता है आपसे, वो पूछ सकता है कि बताओ टोटल मार्क्स क्या है, या वो ये कहता है कि पास मार्क्स क्या है, या वो ये पूछ सकता है कि पास परसेंटेज क्या है। समझ लो बेटा बात को, मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करके उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे समझाऊंगा। फिर ये हो गया मेरा पहला स्टूडेंट जिसके कितने हैं, सॉरी लाइन को मैं ऐसे बनाता हूं, ये मेरे पास हो गया पहला स्टूडेंट जिसके कितने परसेंट मार्क्स हैं, 30% मार्क्स हैं, और ये मेरे पास हो गया दूसरा स्टूडेंट जिसके कितने परसेंट मार्क्स हैं, 35% मार्क्स हैं। ये जो 30% वाला बच्चा है जो कि फेल हुआ है, वो कितने कम मार्क्स लाके फेल हुआ है, अगर इसके 8 नंबर और होते तो ये पास हो जाता ना। यानी कि ये जो पास होने वाला पॉइंट है, पास होने वाला जो नंबर है पॉइंट, ये इस फेल वाले स्टूडेंट से 8 अंक ऊपर है, और दूसरे वाला जो हमारा स्टूडेंट है उसके 35% मार्क्स आए हैं। थोड़ा और इधर बना लो, थोड़ा सा और इधर बना लो इसको, इसके जो है वो 35% मार्क्स आए हैं, ये इस पास वाले स्टूडेंट से कितने मार्क्स ऊपर है, 12 नंबर ऊपर है। तो बेटा एक बात बताओ, ये पास से भी 12 ऊपर है, ये पास से 8 नीचे है। ये जो दोनों स्टूडेंट है मेरे ए और बी, इनके मार्क्स का डिफरेंस देखो कितना है, 20, और इनके परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 5%। 5% मेरा 20 के बराबर है। अच्छा किसका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसका 5%, टोटल का 5%। अरे भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई कितने परसेंट मार्क्स हैं तुम्हारे ग्रेजुएशन में, मैट्रिक में या इंटर में, कभी भी, तो आप मान लो ये कहोगे 60%, कोई कहता है सर 98%, तो भाई किसका 98%, टोटल मार्क्स का ना। तो ये 5% किसका है, 5% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो भाई मैं कहूंगा 5%, 5% का मतलब होता है 5/100, किसका, टोटल मार्क्स का, किसके बराबर है वो मेरा, 20 के। तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे मेरे, टोटल मार्क्स हैं जो मेरे, वो मेरे हो जाएंगे 20 × 100/5। ये उधर जाके गुना की चीज भाग के में हो गई, ये 5 से 4 और 4 × 100 मेरा हो गया 400। राइट, ऐसे कर लेना था आपने। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 7 मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। अनदर स्टूडेंट गॉट
19 मार्क्स। फाइंड द, कई सारी चीजें पूछता है वो। पार्ट ए टोटल मार्क्स, पास मार्क्स, मतलब कोई भी एक चीज पूछ सकता है वो आपसे। पास परसेंटेज, देखो यार, एक ये पहले पहला स्टूडेंट मैंने बनाया, इसके हैं मेरे पास 32% मार्क्स, और जो पास वाला जो खंबा है मेरा, पोल है, उससे कितनी दूरी है पे है ये? 7 नंबर की, 7 मार्क्स का डिस्टेंस है इसका, वरना ये पास हो जाता। दूसरे स्टूडेंट में, क्योंकि वो भी फेल ही हुआ, वो भी लेफ्ट साइड ही होगा, उसके हैं मेरे पास 29 मार्क्स, उसके हैं 29%, और उसका कितना गैप है? उसका गैप है जी मेरे पास, कहाँ लिखा था, 19 लिखा था शायद, हाँ 19 मार्क्स का, राइट। अब एक चीज देखो भाई, यहाँ पे परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो 3% का गैप है इन दोनों में, इसके 32 है, इसके 29 है, और मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो गैप है वो है मेरा 12 मार्क्स का। बेटा यहाँ पे अब डिफरेंस लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दोनों ही फेल है, तो आपस में जो गैप है इनका वो है 12 मार्क्स का, तो मैं कहूँगा 3% ऑफ टोटल मार्क्स इज 12, तो 3% का मतलब होता है 3/100 ऑफ टोटल मार्क्स इज 12, तो ये टोटल मार्क्स मेरे हो जाएंगे, टोटल मार्क्स मेरे पास आ जाएंगे 400, टोटल मार्क्स हो गए मेरे पास 400। बी पार्ट ये कहता है कि भाई बताओ पास मार्क्स क्या हैं, तो आप किसी भी एक की हेल्प ले लो, आप मान लो इसके मार्क्स निकालते हो, अगर आप इसके मार्क्स निकालते हो, अब यार देखो 400 टोटल है, और 400 का 32% क्या होगा भाई, 400 का 32% यही तो होगा, 400 × 32/100 है ना, तो 32 × 64 और 64 × 128 मार्क्स, 128 मार्क्स हैं इस लड़के के, और ये कितने नंबर से फेल हुआ है? 7 नंबर से, यानी कि पास मार्क्स हैं जो मेरे पास मार्क्स हैं वो क्या है? 35, और अगर पास परसेंटेज पूछ रहा है वो आपसे, तो 135/100, 400 टोटल ऐसे ही तो निकालते हो, इनटू 100, तो ये आप देख लेना, ये 4 से 3 बार आ गया, 1 5, 4 से 3 बार आ गया, और ये 25, ऐसे कर लेना जी आप, 33.25% जो है आपका पास परसेंटेज है इसमें, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं इनफैक्ट, हाँ जी, उसके बाद हमारा आता है भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक इलेक्शन है, एक इलेक्शन है जिसमें पहले कैंडिडेट को मिले हैं मान लो 60% वोट्स, और उसकी जीत होती है, एंड ही इज वोन बाय, लेट इट बी 700 वोट्स, आपसे वो पूछेगी बताओ टोटल वोट्स कितने हैं। एक स्टेटमेंट का मतलब बताओ मुझे, मान लो मैं ये कहता हूँ ही इज वोन बाय 700, वोन बाय 700 वोट्स, आपको टोटल वोट्स बताने हैं, तो देखो क्या होता है यार, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इंडिया वोन बाय 10 रन्स, तो इसका यही तो मीनिंग है कि इंडिया ने जितने भी रन अर्जित करे हैं, लूजर टीम ने उससे 10 कम नंबर अर्जित करे होंगे, राइट। तो यानी कि अगर विनर 700 वोट से जीता है, तो जो हारने वाली टीम है
उसका और विनर का जो गैप है वो 700 वोट का रहा होगा, ठीक है? तो देखो, विनर को मिले हैं कितने, 60%, तो लूजर को कितने परसेंट वोट्स मिले होंगे, 40%, अगर बशर्ते कि जो कंटेस्ट है मेरा उसमें दो ही इलेक्शंस, दो ही कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा हो। अब ये बताओ, जो विनर है वो कितने परसेंट से जीता, या लूजर कितने परसेंट से हारा? 20% से। किसका 20%? टोटल का 20%। कैन आई से 20% ऑफ टोटल इज 700? टोटल निकाल सकते हैं अब यहां से हम। कैसे भाई, 20% का क्या मतलब है? 20/100, ये 20/100 इधर जाएगा तो आपका 3500 हो जाएगा, क्योंकि 20/100 1/5 होता है, 7 × 5 इज 3500। यहाँ से आप इसको कर सकते थे, क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इस पे बेस्ड। इन एन इलेक्शन एक कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ टोटल वोट्स, एंड वन बाय 1/1200 वोट्स, 1/1200 वोट्स। तो पूछ सकता आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स हिंदी में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, केवल दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, किसी एक उम्मीदवार को टोटल मतों का 65% प्राप्त होता है, एवं वह 1200 वोटों से विजयी हो जाता है। एक चुनाव में सिर्फ दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, तथा किसी एक उम्मीदवार को 65% वोट मिलते हैं और वह 1200 वोटों से विजयी हो जाता है। तो बताइए, चुनाव में वोटों की संख्या क्या थी? चुनाव में वोटों की संख्या क्या थी, या वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यार मैं ऐसे ही लिखूंगा, विनर को क्या मिला 65%, तो लूजर को क्या मिला होगा? लूजर को 35% मिला होगा, सिंपल सी बात है। तो ये कितने परसेंट से विन किया इसने? 30% से। किसका 30%? टोटल का 30%, 30% ऑफ टोटल। तो ये किसके बराबर रहा होगा मेरा? 1200 वोट्स के बराबर। तो मैं कहूंगा 30% इज 1200, तो मेरा जो टोटल वोट्स है वो कितना हो जाएगा? 30% इज 30/100, राइट? तो ये मेरे पास हो जाएगा 1200 गुणा में 100/30, राइट? तो ये यहां से आप कर लेना इसको, ये 40 और ये 4000 वोट्स थे मेरे टोटल उस इलेक्शन में, राइट? समझ लीजिए इसको, ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। यार अगर वो इसी सवाल को वो ऐसे कह देता, ऑफ ऑफ वैलिड वोट्स, इफ 1600 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, तब भी वही होता है, बड़ा सिंपल है। तब भी मैं कहता 65%, और ये दुस्त, ये विनर है और ये लूजर है। अबे भी आपने निकाला कि जो टोटल वोट्स हैं, टोटल, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे वैलिड वोट्स का 65% और 35% होगा ये। तो मैं कहूंगा टोटल वैलिड वोट्स जो मेरे पास आई अभी अभी जो आपने निकाली थी वो है 4000। अभी जो है वो आपने बताई कि 4000। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट। अगर वो आपसे ये कहता है कि बताओ भाई टोटल वोट कितने हैं, तो यार सीधी सी बात है, पहले तो टोटल वोट्स होती हैं, उसमें से कुछ वोट
वैलिड रहती हैं, कुछ इनवैलिड होती हैं। इनवैलिड मतलब भाई किसी ने दो बार एक की दबा दी, एक एक साइमल्टेनियसली दो बार प्रेस कर दिया, किसी भी तरीके से अवैध होगी अगर वो वोट। तो देखो वैलिड वोट्स मैंने 4,000 निकाले उसी तरीके से, अब इनवैलिड वोट्स ये कह रहा है कि 1,600। अब ये पूछ रहा है कि वोटर लिस्ट में कितने नामांकित हैं लोग, तो भाई मैं कहूँगा जो मेरे टोटल होंगे वो कितने होंगे, वैलिड वाले प्लस इनवैलिड वाले प्लस इनवैलिड वाले, तो वैलिड और इनवैलिड मिला के क्या हो जाएगा, 4,000 ये और भाई 1,600 मेरे, ये कितना हो गया, 5,600 हो गया। ठीक है, ऐसे कर लेना था। और आगे बढ़ो, इसमें और एक और क्लास ऐड हो सकता है, वो क्या हो सकता है, देखो मैं कहूँ कि इन एन इलेक्शन है, आठ सौ पीपल डिड नॉट कास्ट दियर वोट, डिड नॉट कास्ट दियर वोट एंड 700 ऑफ पोल्ड वोट्स फाउंड इनवैलिड, फाउंड इनवैलिड देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट इफ द विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वोन बाय 62 वोट्स। बहुत ही सिंपल है, ये भी हिंदी में पढ़ता हूँ। एक चुनाव में 800 लोगों ने वोट नहीं डाला, एक चुनाव में 800 लोगों ने वोट नहीं डाला तथा डाले गए वोटों में से 700 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 700 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। चुनाव चुनावी लिस्ट में मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ हो। देखिए सबसे पहले तो मैं वैलिड वोट्स या फिर वैध मत ही निकाल लेता हूं आपके। देखो मैं कहूंगा कि जो विनर है उसको क्या मिला, 55% किसका, वैलिड का। जो हमारा लूजर है उसको क्या मिला भाई, इसको अगर 55% मिले हैं तो लूजर को क्या मिले होंगे, 45%, राइट। तो यहां पे आप ये देखो कितने परसेंट वोटों से जीता ये, 10%। तो मैं कहूंगा 10% ऑफ वैलिड वोट्स किसके बराबर है मेरा, ये कहता है कि भाई 62 वोट से जीता है ये, तो 10% की वैल्यू क्या है, 62। तो जब आप इसको करोगे तो वैलिड वोट्स मेरे पास आ गई, वो आ गई मेरी 620, 620। अब देखो यार एक चीज है, एक तो होती है टोटल वोट्स, उसमें से दो चीजें बटती हैं, कुछ लोग तो प्रेजेंट हुए और कुछ लोग एबसेंट हुए, एबसेंट वाले तो किसी खाते में है ही नहीं। उसके बाद ये जो लोग प्रेजेंट हैं इसका मतलब है कि इतने वोट्स की पोलिंग हुई है। उसके बाद ये जो प्रेजेंट थे जिन्होंने अपना वोट डाला है उसको दो कैटेगरी में डालते हैं, इन वैलिड और इनवैलिड। वैलिड के हिसाब से जो ये वैलिड है यही डिसाइड करती है कि कौन विनर कौन लूजर, इनवैलिड का तो कोई मतलब है नहीं। तो बेटा यहां तक अब मेरे पास ये 620 जो है वो वैलिड वोट्स आ गए हैं, ठीक है। अब वैलिड वोट्स में जब मैं इनवैलिड वोट डालूंगा तो मेरे पास कितने क्या आ जाएगा कि कितने वोट डाले गए थे, तो मैं कहूंगा वोट्स पोल्ड,
620 प्लस में इनवैलिड वोट्स मुझे दिए गए हैं क्वेश्चन में, ये रहे 700 प्लस 700, तो ये मेरे पास आ गया 1320। उसके बाद है टोटल वोट्स। अब बेटा देखो, ये वैलिड और इनवैलिड आया तो क्या आया, कितने लोगों ने वोट डाला है ना, प्रेजेंट लोगों की। अब सवाल में ये कहा है कि 800 लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, यानी कि 800 लोग तो चुनाव में एबसेंट थे, तो टोटल वोट्स कैसे आएगी जब ये प्रेजेंट और एबसेंट दोनों देंगे, तभी तो आएगा कि वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं। तो मैं कहूँगा 1320 और प्लस में 800, ये मेरे पास आ गया 2120 वोट्स, 2120। ठीक है जी, ऐसे कर लेना था आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारी आती है वो देखिए क्या क्या है। एक ये वाली टाइप भी आती है कि जब वो पूछता है कि ये कंजम्पशन वाले वाले टाइप में ही है ये वाले क्वेश्चंस, कि भाई मान लो कुछ पैसे लेके गया एक आदमी। क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ मैं। इफ प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 15%, देन ए पर्सन इज एबल टू परचेज पर्सन इज एबल टू परचेज 3 kg मोर शुगर, 3 kg मोर शुगर इन रुपीज 1200। फाइंड द न्यू प्राइस, या फिर ओल्ड प्राइस पूछे वो भी मैं बताऊंगा। न्यू प्राइस ऑफ शुगर, देखो यार क्या हुआ है, एक आदमी 1200 रुपये के लेके दुकान पे गया है, एक आदमी जो है वो 1200 रुपये लेके एक शॉप पे दुकान पे गया है, और क्योंकि दाम जो है वो 15% घट गया था, 15% घट गया था, तो उसने क्या करा, एक्स्ट्रा शुगर ले ली, और कितनी आई वो 3 किलो। तो आपसे पूछता है कि बताओ नया दाम क्या होगा, या पुराना दाम क्या होगा, या नया नया कंजम्पशन क्या होगा, या पुराना कंजम्पशन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो कैसे करना है, बड़ा ही आसान है भाई। देखो इस आदमी ने क्या करा है, इसके पास जो बचत हुई होगी वो क्या हुई होगी भाई, 1200 तो दाम ही था उसका, 1200 रुपये लेके गया, जितनी चीनी आती होगी वो तो आई। अब 1200 का जब 15% कम हुआ है, तो 15% के पैसे दुकानदार ने इसको दिए होंगे, 1200 का 15% जो रहा उतनी इसके पास बचत हो गई होगी। दुकानदार जब इसको दे रहा होगा तो इसने क्या कहा कि ये जो पैसे हैं इनकी मुझे और भी शुगर दे दो, और भी चीनी दे दो। तो दुकानदार ने क्या किया, 3 किलो चीनी दे दी इसको। तो यानी कि वो जो पैसे हैं उसका जो वो 3 किलो चीनी खरीद सकते हैं, तो 3 किलो चीनी का दाम है वो पैसे, तो 1 किलो चीनी का दाम मैं निकाल सकता हूँ, नया दाम आ जाएगा मेरा यहाँ से। तो मैं कहूंगा देखो 15% ऑफ हाँ जी, मैं कहूंगा 15% ऑफ 1200, ये पैसा बचा था, और ये किसके बराबर है, 3 kg, 3 किलो का दाम यही है, तो मैं कहूंगा 15/100 और गुणा में 1200, ये है मेरा 3 किलो का वैल्यू। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनटू ये 5 और ये 2 पे कट गया मेरा, तो 1 किलो जो चीनी है मेरी वो कितने की हो गई मेरी, 60 रुपए की। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया नया दाम। अच्छा, नया कंजम्पशन और पुराना कंजम्पशन वो भी हम देख लेंगे इसमें। ये क्या है, न्यू प्राइस। अब 1200 रुपए में देखो, अगर कंजम्पशन की वो पूछे,
कि भाई हमारी चीनी की खपत क्या है, खपत क्या है, तो मैं क्या कहूँगा यार 1200 रुपये में मेरे पास कितनी चीनी आ रही है, मेरा जो दाम है वो 60 रुपये किलो है, तो 1200 रुपये में कितनी चीनी आ जाएगी, 1200 भाग में 60, तो ये मेरे पास आ गई 20 किलो, ये मेरे पास आ गया 20 किलो। अब ये कौन से वाली खपत है, ये है न्यू, नए वाली खपत। अगर वो पुरानी खपत पूछे, ओल्ड कंजम्पशन पूछे, ओल्ड कंजम्पशन आपसे पूछे, तो क्या करूंगा यार। अब मैंने 3 किलो एक्स्ट्रा चीनी लेने के बाद, 3 किलो एक्स्ट्रा चीनी लेने के बाद मुझे 20 किलो मिल रही है, यानी कि पहले मैं कितना यूज करता था, 20 में से 3 कम, भाई मैं 17 किलो चीनी यूज करता था पहले। अच्छा जी, अब वो कहे और क्या पूछ सकता है वो, इसमें ओल्ड प्राइस पूछ सकता है, ओल्ड प्राइस क्या है, बड़ा ही आसान है ये भी। अरे भाई 1200 रुपये में तुम 17 किलो चीनी खरीदा करते थे, 1200 रुपये में तुम 17 किलो चीनी खरीदा करते थे, तो क्या दाम था तुम्हारा, 1200 भाग में 17 निकाल लेना, जो भी आया आपका आंसर। या ऐसे कर सकते हो 17 पंजे 85, 17 6 102, और 17, अरे 6 पे नहीं भाई, 7 पे जाएगा ये, 7 0, ये आपका दाम होता था पहले, अब 60 रुपये है, राइट। तो हम ऐसे कर सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आउट ऑफ, वैसे तो ये हो ही गया है, जो मेन मेन टाइप थी हमारी वो हो ही गई है, पर एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, वो और देख लेते हैं हम। मैं कहूं आपसे कि आउट ऑफ टू नंबर्स, आउट ऑफ टू नंबर्स 65% ऑफ स्मॉलर नंबर इज, 65% ऑफ स्मॉलर नंबर इज 45% ऑफ लार्जर नंबर, देन द स्मॉलर नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ लार्जर नंबर। देखो भाई, मैं कह सकता हूँ, मान लेता हूँ कि स्मॉलर नंबर है एक्स और लार्जर नंबर है मेरा वाई, तो मैं कहूँगा जो 65% है मेरा एक्स का, वो किसके बराबर है, 45% है वाई के, तो क्या करूँगा, 65/100 ऑफ एक्स इज 45/100 ऑफ वाई, ये काट दो जो कटता है आपका, ये 13 और ये 9, तो यहां से मेरा जो एक्स और वाई का जो रेशो है वो हो जाएगा 9/13। और अगर वो ये कह रहा है कि छोटे वाला नंबर बड़े का कितने परसेंट है, तो ये जो 9/13 आपका आया है, जो आपका ये 9/13 आया है, ये फ्रैक्शन आ गया, इनटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका परसेंटेज था चैप्टर, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ये बेसिक्स, और यहीं तक था आपका परसेंटेज, ठीक है। और लास्ट क्लास में ही मैंने आपको से अपना नंबर शेयर करा था, मैं फिर बता देता हूँ, अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी रिलेटेड मैथ्स के सी सेट से रिलेटेड, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं सी सेट से रिलेटेड। देखिए ये मेरा नंबर है 9050606395, ठीक है जी। चलिए फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।